इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो एडवांस वर्शन है कार्टो सैटेलाइट्स, इनका इस्तेमाल मिलिट्री में होता है क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन होते हैं। ये 1 मीटर या उससे भी कम के ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट रेजोल्यूशन बता सकते हैं। जब सैटेलाइट के रेजोल्यूशन को ये कहें कि 1 मीटर रेजोल्यूशन है, इसका मतलब ग्राउंड पर 1 मीटर × 1 मीटर का जो एरिया है उसकी पिक्चर भी बहुत साफ साफ दिखना। अलग अलग रेजोल्यूशन के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे लो रेजोल्यूशन जिसमें 60 मीटर × 60 मीटर या उससे ज़्यादा, मीडियम रेजोल्यूशन यानी कि 10 से लेकर 30 मीटर इतने एरिया का एक्यूरेसी होती है, और जो हाई रेजोल्यूशन होते हैं इसका मतलब 30 सेंटीमीटर से लेकर 5 मीटर तक का ऑब्जेक्ट या एरिया, ये बहुत एक्यूरेटली इससे हम देख सकते हैं। आज भारत में लगभग 14 ऐसे सैटेलाइट हैं जिनका सिविल और मिलिट्री ड्यूअल रोल होता है। ये रिमोट सेंसिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से RISAT RESAT-2 यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स खरीदे हैं जो डे नाइट ऑल वेदर कैपेबिलिटी के हैं, और इनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होता है। इन सैटेलाइट्स में डिटेक्टर होते हैं, फिल्टर होते हैं जो सैटेलाइट की इमेजरी में मदद करते हैं। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए